हेलो दोस्तों, फिर से मैं एक नए वीडियो में आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में बताएंगे कोई भी वीवो का फ़ोन है या तो 5G फ़ोन है तो उसमें 5G नेटवर्क कैसे धराते हैं। और लाइव प्रूफ मैं धरा के भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे 5G नेटवर्क चलाए, फ्री इंटरनेट चलाए और आपसे नहीं चल पाता है इंटरनेट फ्री, और आप कोशिश करते रह जाते हैं बार बार और इंटरनेट आपसे फ्री नहीं चल पाता है। तो और 5G भी फ़ोन है और सिम भी 4G या 5G रहे चलता है 5G। तो चलिए मैं लाइव प्रूफ करके दिखलाता हूँ। तो लाइव प्रूफ करने के लिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो अपना फ़ोन स्क्रीन पर चलता हूँ, तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के डायलर में आना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना सेटिंग्स ओपन करना है। मैं अपना सेटिंग ओपन करता हूँ। मैं अपना फाइनली सेटिंग ओपन कर चुका हूँ। तो सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर ही मिल जाता है नेटवर्क इंटरनेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा नेटवर्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है डाटा नेटवर्क, मतलब कि किस किस का डाटा बंद करना है। तो यहाँ पे नहीं आना है, तो हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में यहाँ पर सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क सबसे ऊपर में दिख जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह आएगा आपका खुल के पेज एक। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको किस सिम में मतलब रिचार्ज है आपके, तो मेरे एक नंबर में सिम में रिचार्ज है और आपका किस नंबर में सिम में रिचार्ज है वो अपना चेक कर लेंगे। उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे। तो मेरा एक नंबर में है तो एक नंबर को क्लिक कर लेते हैं, अगर आपका दो नंबर में है तो दो नंबर के क्लिक कर लिए। तो चलिए मैं एक नंबर को क्लिक करता हूँ। तो मैं अपना क्लिक कर दिया। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर तीर कोने में 4G पकड़ा हुआ है। तो मैं इसको 5G कैसे पकड़ाऊँ, तो चलिए मैं 5G पकड़ता हूँ। यहाँ पर आपको नेटवर्क टैप इस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4G 5G दिखा रहा है, यहाँ पे प्रेफर्ड और 5G दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 5G पे, 5G पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर 4G ऊपर पकड़ा है। वहाँ पर देख सकते हैं आप ऊपर 5G पकड़ लिया। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख, अगर यहाँ से अगर आपका नहीं होता है तो यहाँ पर नीचे आएंगे एक्सेस पॉइंट नेम्स, इस पर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है जियो 4G यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्लस के आइकन के बगल में 3 डॉट दिखा रहा है, तो इस 3 डॉट पे आराम से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने में रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल होगा, उसके बाद में रीसेट हो जाएगा आपका, मतलब नेटवर्क जो स्लो चलता था वो रीसेट हो जाएगा और फास्ट चलेगा न्यू वर्जन में। उसके बाद में यहाँ पर बैक आएंगे। बैक आने के बाद अपना चॉइस करेंगे सिम। उसके बाद में आप यहां से क्लिक करके यहां पर 5G पकड़वा सकते हैं। तो मेरा तो 5G पकड़ गया, और आपका अभी तक सही हुआ कि नहीं 5G आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं इसके अलावा भी एक और सेटिंग्स है वो सेटिंग्स पे लाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर न्यू है हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो पर मिलता हूँ।